खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की हलाकत का मामला इब्तदाई रिपोर्ट में अस्पताल इंतजामिया और अमले की गफलत साबित। वजीर सेहत तैमूर झगड़ा कहते हैं तफसीली रिपोर्ट 5 दिन में आएगी और कार्रवाई होगी। मुआवने खुसूसी कामरान बंगश का लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान। पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। फैसलाबाद में तशद्दुद की शिकार नन्ही मुलाजिमा का मेडिकल क्यों नहीं हुआ? वालिदैन और दूसरी पार्टी की सुलह पर पुलिस का मशकूक किरदार। आईजी के हुक्म पर एसएचओ आफताब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। गिरफ्तार मुलजिमा को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा की अदालत से जाते हुए मीडिया को धमकियां। आप लोगों की ज्यादती है, मैं आपको पूछूंगी, मैं इसका बदला लूंगी आपसे जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना। 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में शिरकत करें, कारकुनान का जज्बा बढ़ाने। मरियम नवाज की लाहौर में रैली, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और उज्मा बुखारी काफिले में शामिल। मरियम नवाज मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से कैसे निपटा जाए? वजीर आजम इमरान खान ने तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। 13 दिसंबर के PDM जलसे, कोरोना की सूरत हाल पर वजीर आजम हुकूमती बयानिए पर गाइडलाइंस देंगे। और पापड़ वाले, कबाड़ वाले, दूध वाले के बाद अब पेश है पंक्चर वाला। FBR की चीनी स्कैंडल की तहकीकात, फैसलाबाद के गरीब पंक्चर लगाने वाले के नाम पर 80 लाख रुपए की चीनी खरीदने का इंकशाफ। कहता है 80 लाख तो क्या, इतने पैसे भी नहीं कि लाहौर जाकर नोटिस का जवाब दूं। तो उन्होंने कहा 80 लाख की आपने चीनी खरीदी है, मैं सारी जिंदगी पंचर लगाता रहा हूँ, पंचर लगा कर पेट पालता हूँ, 5 जी है हमारे, तो हमें कोई पता नहीं है ऐसे किसी किस्म का। ये अभी हमको ही ये कोई पेंशन लगाया गया, हमारा कोई नोटिस नहीं बना, अपना अकाउंट नहीं कोई बना।